बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। दंतेवाड़ा से मिल रही है बड़ी खबर। दंतेवाड़ा मुठभेड़ में 7 वर्दीधारी नक्सली ढेर किए गए हैं। खबर यह भी है कि कई नक्सली घायल हुए हैं, बुरी तरह घायल हुए हैं। हथियारों के साथ सभी के शव बरामद कर लिए गए हैं। दंतेवाड़ा नारायणपुर के सीमावर्ती इलाके में मुठभेड़ हुई है और 3 जिलों के जवानों ने ITBP जवानों के साथ मिलकर इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया है। तकरीबन 1000 की संख्या में जवान इस ऑपरेशन में शामिल थे, इस तरह की जानकारी मिल रही है। गोबेल इलाके में सुरक्षा बलों ने यह पूरा ऑपरेशन चलाया था। DRG के 3 जवान घायल हैं, लेकिन उनकी हालत खतरे से बाहर है। बस्तर IG सुंदरराज पी ने इस पूरे घटनाक्रम की पुष्टि की है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, मुठभेड़ और 7 नक्सलियों को ढेर करने का दावा पुलिस की तरफ से, सुरक्षा बलों की तरफ से किया जा रहा है। सहयोगी दिनेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश, पूरी जानकारी विस्तार से। जी हाँ ललित जी, मैं आपको बता दूं कि बताना चाहूंगा कि दंतेवाड़ा नारायणपुर के सीमावर्ती क्षेत्र में जो मुठभेड़ पुलिस नक्सली मुठभेड़ हुई थी, इसमें नया अपडेट आया है। नक्सलियों के मारे गए नक्सलियों की संख्या अब 7 हो गई है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि नारायणपुर और के सीमावर्ती क्षेत्र में जो कल रात्रि से ही DRG और 45वीं बटालियन ITBP की संयुक्त पार्टी जिला नारायणपुर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, जगदलपुर के इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर क्षेत्र के पूर्व बस्तर डिवीजन अंतर्गत ग्राम मुंगेड़ी नोवेल क्षेत्र में नक्सली के विरुद्ध गश्त सर्चिंग हेतु रवाना हुए थे। सर्च अभियान के दौरान दोपहर लगभग 3 बजे से जिला नारायणपुर के थाना ओरछा क्षेत्र के तुलतुली ग्राम गोबेल और तुलतुली के जंगलों में लगातार कई बार सुरक्षा बलों के साथ माओवादियों की मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के पश्चात घटनास्थल की सर्चिंग करने पर पहले 4 वर्दीधारी नक्सली मिले, फिर उनकी संख्या 5 हुई। अब जब सुरक्षा बलों की जवान और सर्चिंग पे निकली तो लगभग 7 वर्दीधारी नक्सलियों को मार गिराने का पुलिस ने दावा किया है और सभी मृत नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। मुठभेड़ में और बड़ी संख्या में नक्सलियों के घायल होने की सूचना भी मिली है और सर्चिंग ये भी लग रही है कि टारगेट ओरिएंटेड ऑपरेशन था और जवानों की संख्या भी बड़ी संख्या बताई जा रही है। जिस तरह से एक सर्जिकल स्ट्राइक इससे पहले हुई थी, उस तरह की बड़ी संख्या की बात निकलकर सामने आ रही है। दिनेश जी, मैं आपको बता दूं कि मुठभेड़ नारायणपुर DRG के 3 जवान घायल हुए हैं और वो जो संख्या की बात की जाए तो यह संयुक्त अभियान चलाया गया था जिसमें कोंडागांव, दंतेवाड़ा और जगदलपुर ये और DRG 45वीं वाहिनी की ITBP की भी टीम थी। इसमें काफी संख्या से इससे पूर्व भी जो ओरछा के जंगलों में मुठभेड़ हुई थी जिसमें 8 नक्सली भी मार गिराया था पुलिस ने, वैसा ही सर्च अभियान चारों दिशाओं से घेराबंदी कर नक्सलियों को घेर कर, मतलब मुठभेड़ हुई तो घेर के मारा गया। जी चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और इधर छत्तीसगढ़ के नव निर्वाचित सांसदों को CM ने दावत दी है। चुनाव में जीत की खुशी में विष्णुदेव साय ने दावत दी है। छत्तीसगढ़ सदन में BJP के नव निर्वाचित सांसदों को दावत दी गई। इसमें उप मुख्यमंत्री अरुण साव, विजय शर्मा भी मौजूद रहे। सभी नव निर्वाचित सांसदों का स्वागत करने के बाद उन्होंने कहा कि सांसदों की भूमिका राज्य के विकास में बहुत अहम है, सभी को मिलकर छत्तीसगढ़ की प्रगति के लिए कार्य करना होगा। इधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का दिल्ली दौरे का आज दूसरा दिन, दिल्ली में आज दूसरा दिन। इस दौरान मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की है। CM डॉक्टर मोहन यादव ने ज्योतिरादित्य सिंधिया, धर्मेंद्र प्रधान, फग्गन सिंह कुलस्ते, इनसे मुलाकात की है। CM डॉक्टर यादव ने इस मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया है। इधर मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर बड़ी खबर। MP में देश का सबसे बड़ा एथेन क्रैकर प्रोजेक्ट आष्टा में बनने जा रहा है और CM डॉक्टर मोहन यादव ने इसे प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। तकरीबन 60,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट होगा, निवेश होगा। पूरा निर्माण में ये जो खर्च आना है और रोजगार के हजारों अवसर इसके चलते पैदा होंगे।
इधर भोपाल में खाद्य सुरक्षा विभाग ने अभियान चलाया है। भोपाल रेलवे स्टेशन पर यह अभियान चला, चाय समोसे और इस तरह के जो सामान बेचते हैं खान पान वालों के खिलाफ यह अभियान चला है। खाद्य सामग्री निर्माण स्थलों की जांच तेज कर दी गई है। निर्माण स्थल पर भारी गंदगी पाई गई है। एक एजेंसी का लाइसेंस निरस्त भी किया गया है। दो संस्थानों के निर्माण स्थान को सील कर दिया गया है। अगर हटाएंगे तो वहां तो और हजारों निकलेंगे। इसकी किनारे किनारे पे भी देखो पूरा। और रतलाम में किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया। कृषि उपज मंडी में खुले में रखा अनाज भीग गया। झमाझम बारिश के चलते अनाज भीग गया। हालांकि ये मेहनत जरूर किसानों की थी, लेकिन व्यापारियों ने इसे खरीद लिया था और इससे पहले कि व्यापारी इसे स्टोर कर पाते, कहीं और सुरक्षित जगह पर ले जा पाते, अचानक से बारिश आई और ये पूरा अनाज भीग गया। इधर दतिया में दिन भर तेज धूप के बाद अचानक से मौसम बदला। तेज आंधी के साथ बूंदाबांदी शुरू हो गई। तेज आंधी के चलते लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कई जगह लोगों की जरूरत का सामान उड़ गया। गर्मी से मामूली राहत मिली है, लेकिन उमस बढ़ गई है। इधर सिवनी में आकाशीय बिजली गिरने से दो लोगों की जान चली गई। 30 मजदूर जो थे वो आकाशीय बिजली की चपेट में आए हैं। मृतकों में एक महिला और एक पुरुष शामिल हैं। तेज हवा और तूफान के साथ आकाशीय बिजली गिरी और खेत में फल्ली तोड़ रहे मजदूर, 30 मजदूर इसकी चपेट में आ गए। जो बुरी तरह घायल हुए हैं, झुलस गए हैं, उन्हें छपारा अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। छपारा थाना लगता है, खुर्सीपार ग्राम पंचायत के गाड़ाघाट गाँव की पूरी घटना है। इधर रीवा में थाना बना मैखाना। थाने में शराबखोरी की तस्वीरें वायरल हुई हैं और तस्वीरों को वायरल होने के बाद एसपी ने इस मामले में दो पुलिस वालों को लाइन अटैच भी कर दिया है। एसपी ने इस पूरे मामले की जांच के निर्देश भी दिए हैं। वर्दी में शराब पीता पुलिसकर्मी नजर आया और दूसरा पुलिसकर्मी वीडियो बना रहा था। रीवा के रायपुर करचुलियान थाना परिसर का ये पूरा मामला है। ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। इधर जबलपुर में निगम कर्मियों की धांधली उजागर हुई है। कबाड़ दुकान में नगर निगम का सामान बिक रहा है। ठीक ठाक सामान भी कबाड़ में बेचा जा रहा है। स्थानीय लोगों ने कबाड़ बेचने का एक वीडियो बनाया है। वीडियो बनाते देख जो कर्मचारी, उन्होंने वापस रख लिया सामान। हनुमान ताल थाना इलाके के भान तलैया का यह मामला है। हालांकि तब तक देर हो चुकी थी, सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो चुका था। इधर रायपुर में चलती गाड़ी में आग लग गई और दो लोगों की बाल बाल जान बची। पानी के टैंकर से तत्काल आग को बुझाया गया। रायपुर के दलदल सिवनी विज्ञान केंद्र रोड के पास की यह घटना है। खबर मुंगेली से, जहां धान खरीदी में गड़बड़ी को लेकर कार्रवाई की गई है। लोरमी के धान खरीदी केंद्र प्रभारी और ऑपरेटर पर मामला दर्ज किया गया है। दोनों पर 39 लाख का 1268 क्विंटल धान के गबन का आरोप है। आपको बता दें, इससे पहले तरुवरपुर गुरुआइन डबरी खरीदी केंद्र पर भी एक्शन किया जा चुका है। उपार्जन केंद्रों की शिकायत आने पर उसकी जांच कराई गई थी और जांच में वहां पर लगभग 1268 क्विंटल धान कम पाया गया, जिसके संबंध में उनके द्वारा संतुष्टिजनक प्रभारी और ऑपरेटर द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया था। तत्पश्चात उनके खिलाफ चिल्फी थाना में आईपीसी की धारा 409 और 420 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई।
देखिए अभी धान का उठाव जारी है और ऐसे खरीदी केंद्र अगर आगे भी सामने आएंगे जहां पर अनियमितता पाई जाएगी तो वहां पर भी कार्यवाही की जाएगी। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन ने लगभग 10 लोकसभा सीटें बीजेपी के लिए डेंजर जोन बना दी थी। इन सीटों पर आधी से ज्यादा विधानसभा कांग्रेस ने जीती है। 2024 के लोकसभा में आए 29-0 के रिजल्ट के बाद ये बड़ा सवाल बना हुआ है कि बीजेपी की ऐसी कौन सी रणनीति उनके काम आई है जिसने एमपी में कांग्रेस को चारों खाने चित कर दिया। लोकसभा चुनाव संपन्न हो गए, रिजल्ट आ गया। बीजेपी ने मध्य प्रदेश में ऐसा गजब का प्रदर्शन किया कि प्रदेश की सभी सीटों पर कब्जा कर लिया। हालांकि बीजेपी का हर बूथ पर 370 वोट और 10% वोट शेयर बढ़ाने का फॉर्मूला फेल रहा। बावजूद इसके बीजेपी ने सभी 29 सीट जीतकर कांग्रेस को करारी मात दी। खास बात यह है कि विधानसभा चुनाव में जिन सीटों पर कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया उन सीटों को मिलाकर 10 लोकसभा सीट ऐसी थी जहां कांग्रेस मजबूत नजर आ रही थी। लेकिन हुआ इसके एकदम उलट। लोकसभा में कांग्रेस को मिला जीरो और सभी 29 सीट जिताकर मोहन यादव बने हीरो। अब क्या है वो वजह जिससे बीजेपी प्रदेश में 29 सीटें लाकर पास हो गई जबकि कांग्रेस कुछ सीटों पर मजबूत होते हुए भी फेल हो गई। बीजेपी पास, कांग्रेस हुई फेल। बीजेपी संगठन की तैयारी, बीजेपी का बूथ मैनेजमेंट, बीजेपी को दल बदलुओं से फायदा। बीजेपी विधानसभा चुनाव के बाद ही आक्रामक अंदाज से लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई। पार्टी की न्यू ज्वाइनिंग टोली ने रिकॉर्ड दल बदल कराया और बड़े पैमाने पर सरपंच से लेकर पार्षद और विधायक से लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री तक हाथ का साथ छोड़कर कमल थामते नजर आए। लेकिन कांग्रेस इस सब से बेखबर बनी रही। क्या बीजेपी को इसी का फायदा मिला या कांग्रेस इस खेल को समझ ही नहीं पाई? यदि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति अच्छी थी तो 400 पे 240 पर क्यों आ गए? इलेक्शन है, इलेक्शन को इलेक्शन के हिसाब से ही देखना चाहिए। मैं इसे स्वीकार करने में कोई कोताही नहीं बरतूंगा कि हमारा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा। हम और दुगनी ताकत से उसमें जो भी हर संभव सुधार होंगे वो करेंगे। जिन सीटों पर कांग्रेस विधानसभा में काफी मजबूत थी उनमें पिछले 45 साल से कांग्रेस का गढ़ रहा छिंदवाड़ा भी शामिल था। यहां कांग्रेस ने सभी 7 विधानसभा सीटें जीती थी। मुरैना में 8 में से 5, भिंड 8 में से 4, ग्वालियर 8 में से 4, मंडला 8 में से 5, टीकमगढ़ 8 में से 3, बालाघाट 8 में से 4, धार 8 में से 5, कांग्रेस खरगोन 8 में से 5 और रतलाम 8 में से 4 विधानसभा कांग्रेस जीती। लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान इन सीटों पर कांग्रेस मैच लूज कर गई। बड़ा सवाल आखिर क्यों और कैसे? क्या कांग्रेस अपने कुनबे को नहीं संभाल पाई या बीजेपी को बड़े पैमाने पर दल बदल का फायदा मिला? एक्सपर्ट भी कहते हैं पूरे चुनाव में कांग्रेस के पास स्ट्रेटेजी और लीडरशिप की कमी रही। आपने 5-5, 6-6 विधानसभा सीटों पर आपने जीत दर्ज की हो, बढ़त बनाई हो, तो वहाँ ये मानते हैं कि कांग्रेस मजबूत थी। लेकिन जो दल बदल हुए उसमें बड़े पैमाने पर कांग्रेस के कार्यकर्ता छोड़कर भाजपा में चले गए, 3 विधायक भी चले गए, तो जो माहौल बना और फिर जो लीडरशिप क्राइसिस क्रिएट हुआ, फिर जो मुद्दों की कमी आई मध्य प्रदेश में, सबसे ज़्यादा जो कमी तो थी कि एक आपका ऐसे सशक्त लीडर नहीं थे जो भाजपा का मुकाबला कर रहे हों। 29-0 से मैच हारने की वजह चाहे जो भी हो, देश की सबसे पुरानी पार्टी को आत्ममंथन की सख्त जरूरत है क्योंकि बीजेपी इस बड़ी जीत के पीछे राजनीति के जानकार कांग्रेसियों का ही हाथ बताती है। हालांकि कांग्रेस इसे सिरे से खारिज करते हुए सफाई दे रही है। अगर बीजेपी अपनी रणनीति को सफल मान रही है तो उसे इसका भी जवाब देना चाहिए कि 400 की जगह 240 पर ही क्यों रह गई। न्यूज 18 के लिए भोपाल से रमाकांत दुबे की रिपोर्ट। और नरेंद्र मोदी के एनडीए संसदीय दल का नेता चुने जाने पर मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि चुनाव में जनमत नरेंद्र मोदी को फिर से पीएम बनाने के लिए दिया गया क्योंकि पीएम ने गरीब कल्याण और उनकी खुशी के लिए काम किया। उन्होंने कहा कि योजनाओं का लाभ सीधा गरीबों को मिला है, इसीलिए मध्य प्रदेश के इतिहास में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला। मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा मेरे साथ हैं। सर, 29 की 29 सीटें आपने जीत ली और आज प्रधानमंत्री ने भी बहुत साफ कर दिया कि गरीब कल्याण के लिए काम कर रहे हैं और आगे भी एनडीए जो है वो इसी योजनाओं, जनहितैषी योजनाओं पे काम करेंगे।
सबसे पहले तो मैं आज एनडीए की जो बैठक थी उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी को पुनः एनडीए संसदीय दल का नेता चुना गया, पुनः प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार शपथ लेंगे, इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत अभिनंदन, बहुत बधाई। ये जो चुनाव है, इस चुनाव में देश की जनता ने, मध्य प्रदेश की जनता ने विशेष तौर पर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बनाने का जनमत जो दिया है वो इसी आधार पर दिया है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकास और गरीब कल्याण, हर गरीब के जीवन में खुशी लाने का काम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। इसलिए प्रचंड बहुमत एनडीए को देश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के 29 के 29 सांसदों को सामान्य बहुमत से नहीं, मतलब आज तक के इतिहास का प्रचंड बहुमत मध्य प्रदेश के अंदर मिला है। आज तक का सर्वाधिक वोट शेयर जो पहले कभी नहीं मिला, इतना वोट शेयर इस बार मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को मिला है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। कैमरामैन योगेंद्र के साथ नई दिल्ली से अशरफ काजमी, न्यूज 18। इधर बीजेपी को लोकसभा चुनाव में अयोध्या में मिली हार के बाद अब सोशल मीडिया पर कई पोस्ट सामने आने लगे हैं। इंदौर की प्रतीक्षा जैन नाम की एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने वीडियो पोस्ट की है। इसमें लोगों से अयोध्या के रहवासियों से कोई सामान नहीं खरीदने की बात कही गई। इस पोस्ट के सामने आने के बाद कांग्रेस ने आपत्ति जताई और क्राइम ब्रांच से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। अयोध्या में प्रभु श्री राम के दर्शन करने जरूर जाना, लेकिन वहां रात न रुकना, हो सके तो अपनी गाड़ी से जाना, वहां के ऑटो की सेवा मत लेना, प्रसाद अपने ही घर से खरीद के ले जाना, वहां से कोई भी सामान मत खरीदना। अयोध्या वालों को समझ में आना चाहिए। और नरेंद्र मोदी को एनडीए का संसदीय दल का नेता चुने जाने पर इंदौर के बीजेपी कार्यालय में जश्न हुआ, आतिशबाजी की गई, मिठाई खिलाई गई, डांस भी किया गया। इंदौर हाईकोर्ट के आदेश के बाद से धार की भोजशाला में लगातार सर्वे का काम जारी है। 78वें दिन एएसआई की टीम सर्वे के लिए पहुंची। इस दौरान भोजशाला के उत्तर पश्चिम भाग से स्तंभों के कुछ अवशेष मिले हैं। दूसरी तरफ शुक्रवार के चलते भोजशाला में नमाज भी अदा हुई। उत्तर पश्चिम कोने से जो है वो जहाँ से लगातार अवशेष प्राप्त हो रहे हैं वहीं से कुछ छोटे मोटे अवशेष आज भी प्राप्त हुए हैं, जिस पर कुछ कलाकृति आकृतियाँ बनी हुई है। भोजशाला सर्वेक्षण के साथ ही ऐसा लगता है कि भोजशाला के संरक्षण का और भोजशाला के सौंदर्यकरण का भी काम साथ साथ चला है और भोजशाला का भारी हिस्सा एक अच्छा सुंदर स्वरूप में लगातार आते जा रहा है। खबर जबलपुर से, जहां नगर निगम की करोड़ों की संपत्ति पाकिस्तान से आए रिफ्यूजी दबाए बैठे हैं। दरअसल निगम ने सालों पहले पाकिस्तान से भारत पहुंचे 55 शरणार्थी परिवारों को 55 गुमटियां आवंटित की थी। धीरे धीरे इन लोगों ने गुमटियों के स्थान पर आलिशान मार्केट बना लिया। इतना ही नहीं, सरकार ने 100 स्क्वायर फीट पर दुकानें आवंटित की थी, लेकिन अब इन्होंने अवैध कब्जा कर 300 स्क्वायर फीट पर कब्जा जमा लिया। इसके बाद नगर निगम और राजस्व विभाग ने नोटिस जारी किया है। अंतिम मोहलत दी गई है कि लीज के 40 करोड़ रुपए जमा कर दिए जाएं। सीहोर के सेंट एंस स्कूल में बढ़ाई गई फीस पर जिला प्रशासन ने 2 लाख रुपए का जुर्माना ठोका है। इससे जिले के निजी स्कूल संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। और दरअसल सीहोर के मिशनरी स्कूल सेंट एंस SCBSE से मान्यता प्राप्त है। स्कूल प्रबंधन ने बिना किसी सूचना के अपनी फीस में मनमानी बढ़ोतरी कर दी। विद्यार्थी परिषद ने इसकी शिकायत कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी से की गई। एक कमेटी ने इस मामले की जांच की, सही पाए जाने पर जुर्माना लगाया गया। आज से लगभग 3-4 महीने पहले जो अपना विद्यार्थी परिषद है उनके लोगों द्वारा मुझे शिकायत की गई थी और मामला ये संज्ञान में आया था कि जो सेंट एनिस स्कूल है
ये बच्चों पे काफ़ी ज़्यादा जोर लगाते हैं कि भाई टीका लगा के ना आए, कलाबा ना पहने, और उनकी ये शिकायत थी कि इन्होंने अनाधुन फीस जो है बढ़ाई गई है। इसकी हमने ज़िले में अपनी एक कमेटी बना के जाँच कराई और उस जाँच में ये पाया कि ये इन्होंने जो फीस है ये जो 10% है उससे अधिक बढ़ाई है। जब ये पूरी हमने जो जांच प्रतिवेदन है इसको कलेक्टर महोदय के संज्ञान में लाया तो उनके द्वारा ये कहा गया कि जो हमारा राजपत्र है जो कहता है कि यदि कोई स्कूल अपनी फीस बढ़ाता है तो उसको 10% से अधिक बढ़ाने पर हमसे अनुमति लेनी होगी, अन्यथा की स्थिति में जो बढ़ी हुई फीस है वो बच्चों को वापस करें। सिवनी के प्राचीन दल सागर तालाब के अस्तित्व को बचाने की कवायद सिवनी जिला प्रशासन ने शुरू कर दी है। जिला प्रशासन ने प्रदेश शासन के नमामि गंगे अभियान के तहत शहर के इस प्रमुख तालाब को चिन्हित किया। तालाब के अस्तित्व के प्रति जागरूक करने के लिए श्रमदान कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें जनप्रतिनिधियों और जिले के वरिष्ठ अधिकारियों ने दल सागर तालाब पहुंचकर सफाई की श्रमदान किया। कलेक्टर ने शहरवासियों से इस तालाब में श्रमदान कर तालाब को स्वच्छ बनाने में सहयोग करने की अपील की है। जो दल सागर क्योंकि हमारी प्रमुख सबसे बड़ा तालाब है शहर के अंदर और बिल्कुल बीचों बीच उपलब्ध है, हम लोगों को उसको साफ़ सुथरा हम कर सकें ताकि आने वाली बारिश में उस वो अच्छे से भर भी सके और उसमें उसको देख के सभी लोग गौरवान्वित महसूस। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा 9 से 15 जून तक ओंकारेश्वर के पास कोठी और थापना गांव के बीच में होगी। पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा को लेकर तैयारियां की जा रही हैं, प्रशासन तैयारियां कर रहा है, सुरक्षा के साथ साथ ट्रैफिक व्यवस्था के लिए प्लान बनाया गया है। कथा सुनने आने वाले लोगों के वाहनों के लिए 4 पार्किंग स्थल हैं। 150 ट्रैफिक अधिकारी और कर्मचारी पार्किंग और यातायात व्यवस्था संभालेंगे। अतिरिक्त पुलिस बल की मांग भी की गई है। खास बात यह कथा स्थल पर 3 दिन पहले से ही श्रद्धालु पहुंचने लगे। 9 से 15 तक की ये कथा है। इसमें जैसा आप देख रहे हैं ये काफ़ी एक बड़ा मैदान है जिसमें काफ़ी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। इसको देखते हुए समुचित व्यवस्था की जा रही है। जो भी सिक्योरिटी के पैरामीटर्स हैं उनके हिसाब से और पब्लिक की सुविधाओं के हिसाब से पूरी व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। इधर भोपाल में MPPSC टॉपर ज्योति राजौरे से मंत्री विश्वास सारंग ने मुलाकात की। मंत्री सारंग ने मिठाई खिलाकर ज्योति को शुभकामनाएं दी। ज्योति राजौरे ने MPPSC में 10वीं रैंक हासिल की है। ज्योति राजौरे ने अपने परिवार को भी संभाला और पढ़ाई के लिए समय भी निकाला। सबसे पहले ज्योति जी बहुत बधाई आपको, शुभकामनाएं इस सफलता के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, आपका जी। कैसे ये सफर तय किया आपने, यहाँ तक पहुँचे आप? सर लंबा सफर था, 2017 से 2024 तक का। परिवार का सहयोग रहा, मेरे सास ससुर जो हैं मेरे इन लॉज, उन्होंने लगातार मुझे मोटिवेट किया और मेरे हस्बैंड में। मैंने 2019 का भी दिया था साक्षात्कार और 2020 का, तो उनमें मुझे असफलता मिली, परंतु उनका सिर्फ यही कहना था कि बस अब एक ही कड़ी बाकी है, तुम्हें वही पार करना है। तो बस उसी चीज़ को मैं हमेशा दोहराती थी और लगातार कंसिस्टेंसी बनाए रखी। परिवार को संभालना साथ में स्टडी करना चुनौतीपूर्ण तो रहा होगा? निश्चित तौर पर चुनौतीपूर्ण रहा, परंतु जब परिवार सहयोग करता है तो एक चुनौती भी होती है और सहयोग भी होता है। तो मुझे लगता है कि हमें पॉजिटिव्स को ज्यादा देखना चाहिए और उन्हीं पॉजिटिव चीजों ने मुझे आगे बढ़ाया है। जी, आप लाखों में से एक हैं, लाखों लोग तैयारियां करते हैं लेकिन बहुत सारे बीच में हिम्मत टूट जाती है। कभी ऐसा लगा कि भाई कहीं कोई दिक्कत आ रही है? जी सर, अभी 2 दिन पहले ही जब तक रिजल्ट नहीं आया था तब तक ये लग रहा था कि अब मुझे कोई और ऑप्शन देखना चाहिए और मैंने प्रयास भी किए, परंतु जब फाइनली रिजल्ट आया तो फिर लगा कि नहीं, लगातार अगर हम किसी चीज के लिए प्रयास करते हैं तो वो आपको अवश्य मिलती है। आखिरी सवाल कहें, संदेश बल्कि कहें कि जो लोग अभी भी तैयारी कर रहे हैं MPPSC या UPPSC की भी, उनके लिए क्या मैसेज है, जो वर्किंग वुमेन है उनके लिए? मुझे लगता है कि उन्हें समय प्रबंधन करना चाहिए। अगर आप समय प्रबंधन करते हैं तो आप बेहतर ही परिणाम उसके मिलते हैं। उसके साथ हमें कंसिस्टेंसी और एक आत्मविश्वास होना चाहिए। प्रशांत कटारे, न्यूज 18 भोपाल। और MPPSC में रायसेन के अनुराग राजपूत ने टॉप किया है। उन्होंने DSP के पद पर 2री रैंक हासिल की। अनुराग ने पटवारी के पद पर काम करते हुए MPPSC की तैयारी की। अनुराग का MPPSC में चयन होने पर घर में खुशी का माहौल है। ये
इसके परिणाम यहाँ पर घोषित हो गए हैं। और बात की जाए यहाँ पर डीएसपी के पद पर एक पटवारी रहते हुए अनुराग राजपूत यहाँ पर चयनित हुए, उनको दूसरी उनकी रैंक आई, उनसे बात करते हैं। इस तरह की सबसे पहले बधाई आपको यूनिवर्सिटी की ओर से, आपने डीएसपी के पद पर आप चयन हुए और दूसरी रैंक जो आपकी आई, क्या कहना है इसको लेकर आपका? बिल्कुल, ये सतत प्रयास का परिणाम है। इसके पहले 2019 में मैंने इंटरव्यू दिया था, तब उसमें अंतिम रूप से चयन नहीं हुआ था। इसके बाद ये 2021 का मेरा दूसरा प्रयास था और इसमें मुझे डीएसपी के रूप में सफलता प्राप्त हुई। क्योंकि किस तरीके से आपने तैयारी की, आप पटवारी आप थे, पटवारी रहते हुए आपने क्या सोचा कि मुझे ऐसे पुलिस में जाना है उसको लेकर? नहीं, जब पटवारी में रहते हुए मुझे, जब हम अपने से बड़े अधिकारियों को देखते थे तो कहीं ना कहीं उनसे प्रेरणा मिलती थी।